नमस्कार, आप सभी का आंगनबाड़ी खबर की इस नई वीडियो में फिर से स्वागत है। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप सभी का मानदेय है वो जल्दी आने वाला है और वो छठ के पहले आ जाएगा। फाइनली आप सभी का जो मानदेय है वो आ गया है और आज की इस वीडियो में हम आपको मानदेय को चेक करके बताएंगे कि आप सभी का मानदेय आया है कि नहीं आया है। साथ ही साथ अगर आपको मानदेय चेक करना नहीं आता है तो वीडियो को लगातार देखते रहेगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको एक सेविका का मिनी स्टेटमेंट दिखाएंगे जिसमें उनका मानदेय आ चुका है। अगर आपको मानदेय चेक करना नहीं आता है तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मानदेय को चेक करने के लिए आप गूगल में आ जाना है और सर्च करना है आंगन। इसके बाद आपका कुछ इस टाइप का पेज खुल जाएगा और आपको अगर मानदेय चेक करना है तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर पे यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो फाइनेंशियल ईयर पे यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको 2022-2023 कर देना है। इसके बाद फिर से आपको यहाँ पे जूम करना है और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है डिस्ट्रिक्ट, मतलब आप सभी का जो आंगनबाड़ी केंद्र है जिस जिला में चलता है या आप जिस जिले की आंगनबाड़ी सेविका हैं तो उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जाके आपको जिस भी जिले की है वहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है कि आप किस प्रोजेक्ट से, आप किस प्रखंड से हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट का ऑप्शन भी आ गया है और आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है आप जिस प्रखंड से हैं आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जब प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे सेक्टर सिलेक्ट करना है कि आपका सेक्टर किसके अंदर है, मतलब आपका सेक्टर कितना है। तो सेक्टर वाले ऑल पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपका सेक्टर बता रहा है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 आपका सेक्टर जितना होगा उसको आपको सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है, डिग्नेशन सेलेक्ट करना है कि आप सेविका की मदद से करना चाहते हैं सहायिका की मदद से करना चाहते हैं। तो आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आप सेविका हैं तो सेविका ऊपर वाले क्लिक कीजिए और सहायिका हैं तो नीचे वाले क्लिक कीजिए। तो मैं सेविका का सिलेक्ट करके देखते हैं। और इसके बाद यहाँ पर AWC का ऑप्शन आने वाला है, तो इस AWC ऑप्शन पर भी आपको क्लिक करके आपका जो वार्ड नंबर है, आपका जो गाँव है उसको सिलेक्ट यहाँ पर कर लेना है। तो हमने सभी कुछ सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद इस टाइप का कुछ इंटरफेस ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जो आप सभी का मानदेय है वो जुलाई और अगस्त दो माह का मानदेय बाकी है। तो यहाँ पे हमने कल ही एक वीडियो में बताया था कि आप सभी का मानदेय छठ के पहले आ जाने वाला है और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपका जो मानदेय है वो 10 अगस्त 2022, यहाँ पे 10 अगस्त 2022 को आ गया है। ये जो मानदेय का लिस्ट है वो सेविका का है और सेविका का मानदेय अभी तक आ गया है, लेकिन हम देखते हैं सहायिका का मानदेय आया या नहीं आया है। तो फिर से आपको इसी पर क्लिक करना है और यहाँ पर सहायिका सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखिए सहायिका का भी ओपन हो चुका है और सहायिका का भी दोनों माह का मानदेय आ चुका है। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी खुशखबरी है कि आप सभी का जो मानदेय है वो दोनों माह का मानदेय आ चुका है। अब हम आपको मिनी स्टेटमेंट दिखाएंगे जिसमें सेविका का मानदेय है वो आ गया है। तो जैसा कि आप इसको देख सकती हैं यहाँ पर ऊपर लिखा है मिनी स्टेटमेंट और यहाँ पर कैलेंडर भी दिया गया है। यहाँ पर सेविका का मानदेय 10-10-2022, मतलब 10 अगस्त 10 मई 2022, मतलब कल की जो डेट है, और यहाँ पर उनका मानदेय 5,950 रुपये दिखा रहा है। फिर से 10-10-2022 का उनका मानदेय है जो फिर 5,950 रुपये दिखा रहा है, मतलब जो सेविका है उनका दो माह का मानदेय आया है। हमने आपको प्रूफ के साथ बता दिया कि आप सभी का जो मानदेय है वो आ चुका है। सेविका और सहायिका दोनों बहनों का मानदेय दोनों माह का आ चुका है और हमने आपको चेक करके बताया कि अगर आपको चेक करना नहीं आता था तो चेक करके भी आप देख सकते हैं आप सभी का मानदेय आया है या नहीं आया है, और आप जल्दी अपना मानदेय को निकासी भी कर सकती हैं। हम हर बार आपको कोई नई और अच्छी जानकारी देते हैं, इसीलिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।